हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ आरंभ, जहां मैं आपको क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स पूरा समझाऊंगा, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। तो ये पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर सेकंड अपना स्टार्ट करेंगे आज। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल का लेक्चर बता चुके हैं, नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में जाएँ, लेक्चर नंबर पहले को अटेंड करें, देन उसके बाद अभी ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा इस लेक्चर को अटेंड करने में। लेक्चर अटेंड करने से पहले बार बार के तरीके ही इस बारे में विनती करता हूँ आपसे कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, जो मैं बोलूँ, जो मैं नोट करूँ, जो मैं सवाल कराऊँ, उसको अपनी कॉपी में जरूर करिएगा। वैसे आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एक रिलेशन को डराइव कराऊंगा जो कि पेपर के बेसिस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा हमारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो लेक्चर है हमारा पॉलिनोमियल का सेकेंड वाला, और रिलेशन जो हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करी गई है तो अपन सबसे पहले क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो लेट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है नहीं पता है तो आप जाइए लेक्चर में, पहले में ध्यान से पूरे अच्छे से इसको देखिए, एक चीज़ को सारी डेफिनेशंस मैंने एकदम वेल और प्रॉपर तरीके से लिखा रखी है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक सपोज कर लिया है। अब क्या करें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में लेक्चर में पहले बता रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है तो एक्स इज इक्वल टू अल्फा के बराबर हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू बीटा के बराबर हो जाएगा। अब एक्स को इस तरफ लाओगे तो एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर बनेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, जब ये इसके बराबर बन रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, दो फैक्टर हैं किस पॉलिनोमियल के बराबर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बराबर ही होंगे ना। यहाँ पे कोई कांस्टेंट के लिए लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे इस लाइन को भी मेंशन कर देंगे अपन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, के को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इस वाले के साथ कराएंगे जो है एक्स माइनस बीटा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स माइनस बीटा के साथ, अब इसको क्लोज कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स बीटा हो जाएगा माइनस एक्स अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कराएंगे, के यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अगर कॉमन लेंगे तो अपन के पास बैठेगा बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बीटा बचेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के, यहाँ बच रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस प्लस है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा ये है। अब क्या करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन चलो सर एक और कर लो, ऑन कंपेयरिंग अभी ना करो, अब के का मल्टीप्लाई अंदर के सारी तरफ करा दो, के का क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस अल्फा बीटा के। अब लिखाएंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ लाइक पावर, कोफिशियंट्स ऑफ लाइक पावर बोथ साइड्स में क्या करेंगे, जो एक जिनकी कोफिशियंट है उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दिया गया तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, के एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ए इज इक्वल टू के, अपन के पास
के की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, अपन के पास के की वैल्यू जो है वो आ गई ए के बराबर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो हम अज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अब एक्स वाला इसके साथ करेंगे तो बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू के, ये आया, ठीक है, ये अपने लिख लिया। अब क्या करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा के हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, के किसके बराबर, ए के बराबर है तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा इज इंटू ए, ठीक है। अब करेंगे बी अपॉन ए इज इक्वल टू, माइनस की तरफ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा था, अल्फा और बीटा को क्या कर रखा था हमने, हमने क्या लेट कर रखा था, देखो यहाँ पे हमने लेट कर रखा था 0 सब पॉलीनोमियल, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो छोड़ दो अब तीसरा वाला पहले कंपेयर कर लो उसका बताता हूँ क्या लिखेंगे। तो अल्फा बीटा के इज इक्वल टू हो जाएगा सी के बराबर, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन के, जहाँ पे के हमने क्या माना था, के का आंसर क्या आया, ए के बराबर आ गया। तो अब लास्ट में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू आया है हमारा माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ ओ, कोफिशियंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आया है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आया है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आया है हमारा सी अपॉन ए। सी किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में ए किसके है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन था, किसके बीच रिलेशन था, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स के बीच में रिलेशन था। तो आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन तो जनरली क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा नहीं जाता, नए क्वेश्चन पेपर में आपके स्कूल में पूछा जाएगा। जो इसके जो हमारे पास जो समरी निकल के आएगी उसका यूज़ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। तो पहली समरी जो हमारे पास निकल के आई वो ये आई है कि अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो सेकंड समरी निकल के आई हमारे पास वो आई है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, तो ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों ही समरी, दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।